जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हैवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं, उसे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5% 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है, उनको उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिले। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं जैसा वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानता जी। आप बताए ना, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है।